तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा ये लाइव ट्रेड है। मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया है, ये हमारा ट्रेड थोड़ा फंसा हुआ है यहाँ पर। अभी हम लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये के लॉस में चल रहे हैं, लेकिन आगे आगे देखेंगे अभी होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर एक चार्ट में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक डबल टॉप जैसा एक फॉर्मेशन हुआ है। अगर ये हमारा डबल टॉप का फॉर्मेशन सक्सेसफुल रहा और यहाँ से ट्रेड पलटा, तो हम लगभग, मैंने पुट लिया हुआ है, देखिए मैंने पुट लिया, लगभग हमारे 5-6 हज़ार रुपये यहाँ पर लॉस चल रहा है। कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर 4 क्वांटिटी ली थी। जैसे मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक लिया, मैंने यहाँ पर एक अपनी एंट्री पुट की सेट कर ली। आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन देखते हुए देख रहे हो, उस ट्रेंड लाइन का सहारा लेते हुए मार्केट नीचे गिर रहा था, इसलिए मैंने एक पुट की सेट की एंट्री बना ली। लेकिन अभी मार्केट हमारा जो है, ये जो हमारा ट्रेड है, वो अभी रिवर्स हो गया है। लेकिन ये अभी यहाँ पर और एक हमारा एक चांस बन सकता है, ये डबल टॉप। अगर ये डबल टॉप यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, तो मार्केट फिर से नीचे की साइड की मूवमेंट कर सकता है। तो दोस्तों, धीरे धीरे हम देखेंगे आगे होता क्या है। आपको हमेशा मार्केट में एक दूसरा एक प्लान भी हो अपना जो है वो तैयार रखना होता है। कब कभी अपना ट्रेड बदल जाए, तो हम अपने दूसरे ट्रेड में कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, हम कहाँ पर अपना पोजिशन है जो लॉस में चला है कहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि हर पोजिशन आपको होल्ड करनी चाहिए लॉस की, लेकिन मैं अभी यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जिट कर देता, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा रेजिस्टेंस नज़दीक ही था, इसलिए मैंने अपनी पोजिशन को होल्ड किया है। कोई बात नहीं, थोड़ा हमारा लॉस ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन अब अगर प्रॉफिट हुआ तो हम अच्छे खासे प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो ये मार्केट तो हमें कुछ ज़्यादा यहाँ पर चांस नहीं दे रहा, ये धीरे 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 प्रीमियम डिके हो रहा। आज का जो दिन है एक्सपायरी का है, प्रीमियम डिके का भी हमें यहाँ पर एक नुकसान मिल सकता है। तो देखो, जहाँ पर देखिए देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक और एक रिएक्शन यहाँ पर मिल रहा है। तो हमारा जो लॉस था, तो अभी हमारा जी लॉस है, तो थोड़ा थोड़ा हमारा लॉस यहाँ पर कम होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। बैंक निफ्टी भी यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव चल रहा है। कल जो फेड का डिसीजन था, वो फेड का डिसीजन लगभग नेगेटिव ही था। वहाँ से जब लगभग 500-600 पॉइंट की मतलब रैली दी थी डाउ जोन्स ने, उस तरह मुझे भी अभी लग रहा है कि ये जो रैली है ये फेक रैली है। यहाँ से कभी भी एक डाउनसाइड की रैली आ सकती है, मतलब रिजेक्शन यहाँ कहीं भी मिल सकता है और मार्केट धड़ाधड़ गिर सकता है। आज एक्सपायरी भी है, ज़्यादा लोग अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकेंगे। जैसे मार्केट गिरने लगेगा, हम और अपनी पोजीशन को ऐड करते जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते मार्केट का, कब क्या हो जाए क्या नहीं। हमें आखिरी दम तक यहाँ पर वेट करना होगा, जब तक कि हमारे जो लेवल्स है वो टूटते नहीं हैं, तब तक यहाँ पर हम वेट करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। आपने जो मैंने जो पिछले वीडियो में आपको कहा है कि आपकी साइकोलॉजी ही आपको यहाँ पर मार्केट में जो है वो यहाँ पर प्रॉफिटेबल बना सकती है। जिस तरह अपनी साइकोलॉजी काम करेगी, उसी तरह आपको मार्केट में काम करना था। आपकी साइकोलॉजी अगर आपके बस में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप मार्केट में ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते। मार्केट ये देखिए, जैसे ही रिजेक्शन मिला था, यहाँ से और एक थोड़ा बाइंग का प्रेशर आ चुका है। मुझे लग रहा है ये बाइंग का प्रेशर बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर मार्केट को गिरना होता तो ये मार्केट का कब का गिरा चुका होता। लेकिन जैसे जैसे मार्केट मतलब कैंडल नीचे जा रही है, उतना ही बायर्स एग्रेसिव होते हुए अपनी पोजीशन को बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमें यहाँ पर जो नुकसान है, वो अपना नुकसान हम ज़्यादा नहीं बढ़ा कर सकते। देखेंगे अभी आगे क्या होता है। हम ज़्यादातर यहाँ अपनी पोजीशन को एग्जिट ही कर देंगे, लेकिन अगर यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, मैं उस रिजेक्शन का यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। जैसे हमें वो रिजेक्शन मिलता है, अपनी जो पोजीशन है वो प्रॉफिट में आ सकती है। ज़्यादा कुछ नहीं, 10-20 पॉइंट अगर नीचे आया, तो मार्केट में हमारा जो लॉस चल रहा है वो कवर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे एक ज़बरदस्त यहाँ पर कैंडल बनी और वहाँ से रिजेक्शन यहाँ पर लिया है मार्केट ने। यहाँ पर मार्केट नीचे कम ऊपर ज़्यादा जा रहा है, कुछ कह नहीं सकते अपना। कोई बात नहीं, अपना जो पोजीशन है, अगर यहाँ से मार्केट ने अपना कंटिन्यूशन चालू रखा, तो हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे अपनी पोजीशन को, और फिर से सेल जो हमारा सेल साइड है उसे कट करके हम बाइंग में आ जाएंगे। कोई बात नहीं, चलता रहेगा।
देखिए कितना एग्रेसिव यहाँ पर बायर्स अपना पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, नीचे नहीं जाने दे रहे मार्केट को, उल्टा ऊपर ही ढकेल रहे हैं। सेलर्स भी यहाँ पर थोड़ा तगड़े हैं। ये देखिए अपनी ये कैंडल अभी बन रही है, जैसे ही बड़ी कैंडल बनती है झट से बायर्स एक्टिव होकर अपने वो कैंडल को फिर से एक हैमर पैटर्न की तरह बदल दे रहे हैं। देखिए अपना जो लॉस है अभी वो उतना ही है, लगभग 3-4 पॉइंट का हमें यहाँ पर अभी प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन हमें उतने प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं है। हमें लगभग अच्छी खासी रैली चाहिए प्रॉफिट पे वाला। ये देखिए देखिए मार्केट अभी यहाँ से गिर रहा है, हमारा जो पोजीशन है, हमें लगता है अभी हमारा जो पोजीशन है वो अभी देखिए हम प्रॉफिट में आ चुके हैं अभी। अगर ये ऐसा ही कंटिन्यू पैटर्न रहा, कंटिन्यू गिरते रहा, तो हम अच्छे खासे देखिए यही जो पुल बैक है हमें झेलना होता है। अरे यार फिर से क्यों ऊपर जा रहा है, अभी नीचे आओ। इसी कैंडल को हमें झेलना होता है। देखिए देखिए फिर से ऊपर जा रहा है। जितना प्रेशर से सेलर्स दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही स्प्रिंग की तरह बायर्स उछाल मारने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी खासी यहाँ पर कैंडल बनी थी, मुझे लगा यहाँ पर अभी सेल अप कंटिन्यू होगा, लेकिन देखिए बायर्स ने फिर से अपनी पोजीशन को तगड़ा कर दिया है। यही मार्केट की साइकोलॉजी होती है, यही मार्केट का जो आपका एक्सपीरियंस है यही आप पर आपका काम आता है। फिर भी हम अपना जो लेवल से उसको छोड़ेंगे नहीं। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, आप अपने पोजीशन को ज़्यादा दिन होल्ड ना करें, अपने पोजीशन से निकल जाए। लेकिन एक जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, चालू कैंडल से लास्ट वाले कैंडल एक इतनी बड़ी रेड बनी है, इतनी बड़ी रेड का कारण है कि वहाँ पर सेलर्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए मैं अपनी पोजीशन को कट नहीं यहाँ पर कर रहा। चालू रखने देंगे आप अपनी पोजीशन को। देखिए फिर से नीचे आ रहा है। आओ यार नीचे आओ सेलर्स, कहाँ पर हो तुम? बायर्स आप पर हैवी हो रहे हैं यार। ये आपको जो माइंडसेट है यहीं पर आपका माइंडसेट पता चल जाएगा। जब कभी अपना माइंडसेट आपको धोखा देना, तो समझ जाइएगा कि आपका माइंडसेट अपने कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में रखना पड़ेगा अपने आप को। मैंने अपनी पोजीशन को कितने बार होल्ड करा है, फिर भी मार्केट ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है। हाँ यार अच्छा खासा यहाँ पर रिजेक्शन दिख रहे हैं आप। ऊपर जाके फिर से एक कैंडल नीचे आ रही है, इसका मतलब है कि हम अपनी पोजीशन को होल्ड यहाँ पर कर सकते हैं। देखेंगे अभी आगे क्या होता है। हाँ अभी ये पूरी तरीके से हम अपने कंट्रोल में आ चुके हैं, सेलर्स ने अपने कंट्रोल में लिया है मार्केट को। चल यार अभी तू किसका वेट कर रहे, चल निकल नीचे। चलो यार क्या देखो फिर से ऊपर जा रहा है। क्या करें भाई, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि हम अपनी पोजीशन को यहाँ पर होल्ड करें या मतलब कंटिन्यू रखें, यहाँ से मुझे निकल जाना चाहिए या मुझे अभी ओवर वेट करना चाहिए अपने लेवल्स का। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं तो यहाँ पर होल्ड ही करने वाला हूँ जब तक अपना लेवल्स नहीं टूटेगा तब तक। तो अपनी पोजीशन देखिए अभी कुछ नहीं, 5-6 पॉइंट का आज प्रीमियम दिखे है ना, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रहे, 5-6 पॉइंट हमें मिल चुके हैं। ये सेलर्स कहाँ पर मर गए हैं सब, सारे के सारे। छोड़ो यार आओ नीचे। हैंडल हैंडल यहीं पर आपको अपने साइकोलॉजी का पता चल जाएगा। चलो यार ये नीचे। तो दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने वो पोजीशन कट कर दी और यहाँ से मार्केट धड़ाधड़ नीचे गिर रहा है। मेरी लास्ट वाली जो पोजीशन है उसका जो स्टॉप लॉस ले हिट होकर मार्केट और ऊपर चला गया था, लेकिन मैंने फिर से एक डबल टॉप जैसा यहाँ पर पैटर्न देखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो 40,200 को मैंने ये डबल टॉप का पैटर्न फिर से ढूंढा और वो से फिर से ट्रेड किया मैंने, और फिर से जो अपनी पोजीशन है वो अपने प्रॉफिट में आ चुके हैं। हम यहाँ से प्रॉफिट में ही निकलेंगे आज, चाहे कुछ भी है। जहाँ मार्केट आज थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है मुझे, नेगेटिव ही था कल का जो डिसीजन था फेड का, वो पूरा नेगेटिव था, लेकिन ना जाने क्यों ऊपर चला गया मार्केट। यहाँ पर ट्रैपिंग हो सकते थे हम, लेकिन मुझे सुबह से लगता था कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, लेकिन जो ऑपरेटर है उन्होंने क्या किया, पहले मार्केट को ऊपर जाने दिया। जैसे ही मार्केट ऊपर गया, वहाँ से ही
यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जैसे मार्केट पत्तों की तरह यहाँ पर गिर रहा है। हम अगर चाहे तो अपने पोजीशन को यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अपने पोजीशन यहाँ पर ज़्यादातर हम होल्ड नहीं करेंगे। हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सहायता लेते हुए मार्केट में आगे बढ़ेंगे। जहाँ कहीं भी अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट जाए, वहाँ से हम मार्केट में निकलेंगे। देखिए, हमारा लगभग 8,000 का यहाँ पर लॉस चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी पोजीशन में अपनी एंट्री ली, वो हम प्रॉफिट में यहाँ पर आ चुके हैं। हम यहाँ पर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं, मार्केट यहाँ से लगभग और 200 पॉइंट यहाँ से गिर सकता है, लेकिन उतना हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाएगा, हम यहाँ से निकल लेंगे। क्योंकि आपको मार्केट में ऐसे ही काम करना होता है, जब कभी भी अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, आपको उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। जाने कब मार्केट पलट जाए आपको भी पता नहीं। देखिए, हमारा 6,000 का यहाँ पर अभी प्रॉफिट चल रहा है। ऐसे ही मार्केट में अपने धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है, ज़्यादा हड़बड़ी में आपको काम करना होता। जो लॉस वाली पोजीशन है उसको हम जल्दी से एग्जिट कर देंगे, लेकिन जो अपनी प्रॉफिट वाली पोजीशन है उसको हम सिर्फ 2 लॉट में यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखिए आप, मार्केट में कितना बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट निकला है, मैंने सिर्फ 2 लॉट में यहाँ पर काम किया है। छोटी क्वांटिटी बराबर बड़ा प्रॉफिट है यहाँ पर। छोटी क्वांटिटी हमें हमने लगभग 200 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर किए। मैंने अपनी पोजीशन को होल्ड करने की सोचा और मैंने होल्ड किया भी, क्योंकि मुझे अपने जो एनालिसिस था मेरा, वहीं पर मैं अपने एनालिसिस पर खरा उतरा हूँ। यहाँ से मार्केट अभी गिरेगा ही गिरेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन हम यहाँ पर कह नहीं सकते, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। 100 पॉइंट, 150 पॉइंट का यहाँ पर एक एक कैंडल बन रहा है, उतनी वोलेटिलिटी हम यहाँ पर हैंडल नहीं कर सकते। उतना ही अच्छा हम यहाँ पर अपना काम करते हुए आगे बढ़ना है। जो हमारा पेशेंस है यहाँ पर, वो पेशेंस यहाँ पर अभी काम आ रहा है। यहाँ पर हमारा तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पर बन के आया है। 2 लॉट में यहाँ पर 4-5 हज़ार का प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है। 2 लॉट में 4-5 हज़ार का प्रॉफिट, मतलब लगभग 100-150 पॉइंट की मूवमेंट। ऐसा ही हमें मार्केट में काम करना चाहिए, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। मार्केट आपको ज़रूर प्रॉफिट ही देगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, वही बात है।